वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का फिफ्थ एंड सिक्स्थ टाइप के बारे में। फिफ्थ टाइप में हम लोग शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन देखेंगे, इसका कंसेप्ट हम पहले बता चुके हैं। सिक्स्थ टाइप में आउट ऑफ सर्किट का कंसेप्ट देखेंगे, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट पढ़े थे और उस पर एक न्यूमेरिकल तुम लोगों को बनाने के लिए दिए थे, तो उसका हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही और एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद फिफ्थ टाइप एंड सिक्स टाइप के क्वेश्चंस का कंसेप्ट और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो न्यूमेरिकल दिए थे उसमें C1 2 यूनिट दिए थे, C2 4 यूनिट दिए थे और C3 3 यूनिट दिए थे, C4 6 यूनिट दिए थे, वहाँ पे C5 कुछ नहीं दिए थे, और C5 को C5 भी रहने दो। यहाँ पे अगर हम लोग देखें C1 बटे C2 बराबर हो जाएगा 2/4, 2/4 मतलब 1/2। C3 बटे C4 निकालें तो वो भी हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, यानी C1 बटे C2 बराबर C3 बटे C4, इसलिए ये ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो यहाँ पे C5 कैपेसिटर से कोई भी करंट फॉलो नहीं करेगा, जिसके वजह से इसको एक्सक्लूड कर देंगे। जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा इससे होकर के कोई करंट नहीं जाएगा, और C1 C2 सीरीज में होगा, उसी तरह से C3 C4 भी सीरीज में होगा, और इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में होगा। इसलिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताए थे, C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू C4 बटे C3 प्लस C4, उस फॉर्मूले पे बैठा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी 2 इंटू 4 बटे 2 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 6 बटे 3 प्लस 6। अगर इसको कैलकुलेट करें यह हो जाएगा 8/6 प्लस 18/9, 9 × 18 से कटेगा ये 2, ये 3 × 6 4 × 8, तो इसका एलसीएम लेंगे 3 × 6 4 10/3 इसका आंसर हो जाएगा, 10/3 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आगे बढ़ने से पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड CAB, यानी A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी बताया था, लेकिन वहाँ पे ये प्लेन वायर था, इस पे कोई भी कैपेसिटर नहीं था। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे सारे कैपेसिटर का नेमिंग कर देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। सारे कैपेसिटर का नेमिंग करने के बाद ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 कैपेसिटर है, यानी 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये वायर जहाँ पे कनेक्टेड है इसको A पॉइंट मानते हैं, और इसको B पॉइंट, इसको C पॉइंट, इसको D पॉइंट। अब इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से देखना रीड्रॉ कैसे करते हैं, इसको रीड्रॉइंग कर लिए इस सर्किट का तो क्वेश्चन बन गया। यहाँ देखो फर्स्ट कैपेसिटर यानी C1 कैपेसिटर A पॉइंट से कनेक्टेड है, दूसरा C पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ A, तो ये मान लिए C पॉइंट है, A से लेके C तक कनेक्ट कर दिए। अब उसी तरह से ये फोर्थ कैपेसिटर है, ये वाला फोर्थ कैपेसिटर A पॉइंट से कनेक्टेड है और एक दूसरा B पॉइंट से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे इसको B पॉइंट माने, तो A से लेके B तक कनेक्ट कर दिए। फिर अब देखो यहाँ पे सेकेंड कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, एक पॉइंट इसका D में है, यहाँ D से कनेक्टेड है एक प्लेट, और दूसरा प्लेट C से कनेक्टेड है, तो C से लेके D तक कनेक्ट कर दिए। अब बचा ये वाला कैपेसिटर यानी C3। अब C3 कैपेसिटर, एक प्लेट इसका D पे है और दूसरा प्लेट B पे है, तो D से लेकर के यहाँ B तक कनेक्ट कर दिए। तो अब सारे कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ फिफ्थ कैपेसिटर का एक प्लेट B से कनेक्टेड है और दूसरा प्लेट C से कनेक्टेड है, तो एक यहाँ से B से कनेक्ट कर दिए और एक C से कनेक्ट कर दिए। अब देखो ये वाला सर्किट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट की तरह कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तभी हम लोग अप्लाई कर पाते हैं जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है। तो इस केस में देखो यहाँ पे इसको C1 कैपेसिटर, इसको C2 कैपेसिटर, C1 बटे C2 निकाले, 4 माइक्रोफेराड अपॉन 4 माइक्रोफेराड इक्वल टू 1 हुआ,
यानी कैपेसिटी 4 माइक्रोफेराड इसका भी है, इसका भी 4 माइक्रोफेराड है, तो एक हुआ। अब फिर हम लोग यहाँ पे C4H2C3 निकालेंगे, C4 बटे C3 बराबर 4 माइक्रोफेराड बटे 4 माइक्रोफेराड, वो भी 1 निकला, मतलब C1 बटे C2 बराबर है C4 बटे C3। देखो नंबरिंग में यहाँ पे 3 4 अगर आगे पीछे हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, अगर इसका फर्स्ट लेते हो ये सेकंड लेते हो तो ये वाला थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। तो इस तरह से हम लोग रेशियो निकालते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे C3 बटे C4 निकालेंगे, यहाँ पे ये फोर्थ कैपेसिटर माने हैं तो C4 बटे C3 निकालेंगे। तो C1 बटे C2 बराबर C4 बटे C3 है, मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है। जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो ये C5 कैपेसिटर से होकर के कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि सी पॉइंट और बी पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो जाता है। C5 कैपेसिटर को एक्सक्लूड करके इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो उसी बात को यहाँ पे लिख दिए हैं, सो पॉइंट सी एंड बी बिकम्स इक्विपोटेंशियल एंड C5 कैपेसिटर रिसीव्स नो चार्ज, सो वी एक्सक्लूडेड इट। नाउ रीड्रॉइंग द सर्किट, उसके बाद सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो रीड्रॉ होकर के सर्किट इस तरह से हो जाएगा, यानी C1 C2 C3 C4 कैपेसिटर हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला जो हम बताए थे लास्ट में उससे, या नहीं तो इसका सीरीज इक्विवेलेंट पहले निकाल लो इन दोनों का, फिर इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट निकाल लो, उसके बाद फिर इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना होगा तो रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो वैसे हम फॉर्मूला में ही यहाँ बैठा दे रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा है C1 × C2 / C1 + C2 + C3 × C4 / C3 + C4, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट होकर के हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड और ये हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पे 2 + 2 = 4 माइक्रोफेराड, ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ इस नोमेरिकल का। ना हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आउट ऑफ सर्किट का कंसेप्ट के बारे में, यानी आउट ऑफ सर्किट वाला जो क्वेश्चन रहेगा तो कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो कंसेप्ट यूज्ड, फर्स्ट पॉइंट याद रखोगे, सर्किट मीन्स होता है, सर्किट का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ अवर फॉर्म ऑफ लूप, यानी कोई अगर क्लोज्ड पाथ होगा तभी वो सर्किट बनेगा, यानी एक सर्किट बनने के लिए एक लूप बनना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ कैपेसिटर डज नॉट कम्स इन एनी लूप इट गेट्स नो चार्ज सो वी इग्नोर्ड इट, यानी एक क्लोज्ड लूप है और एक कैपेसिटर लूप के बाहर है तब उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ दो ही कंसेप्ट है, पहला है कि सर्किट मतलब होता है क्लोज्ड लूप, यानी कोई क्लोज्ड लूप होगा तो वो सर्किट कहलाएगा, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्लोज्ड लूप में जो भी कैपेसिटर आएगा उसी को हम लोग लेंगे, जो क्लोज्ड लूप से बाहर रहेगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, वो नहीं होगा, वो एक्सक्लूडेड हो जाएगा। तो देखते हैं अब इसका क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड सी ए बी, यानी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, देख लो ठीक से। अब जितने कैपेसिटर है उसका हम लोग नेमिंग कर दिए, इसका नेमिंग फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कैपेसिटर है। ए और बी पॉइंट के बीच क्लोज्ड लूप ये ही बनता है, ये बैटरी है, ये कैपेसिटर नहीं है, ये क्लोज्ड लूप बना। इस क्लोज्ड लूप में कितने कैपेसिटर आता है, दो ही कैपेसिटर आता है, फर्स्ट और सेकेंड। ये थर्ड कैपेसिटर और फोर्थ कैपेसिटर आउट ऑफ सर्किट हो गया। जो कैपेसिटर आउट ऑफ सर्किट होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हेयर C3 एंड C4 आउट ऑफ सर्किट, यानी C3 और C4 कैपेसिटर क्या है, आउट ऑफ सर्किट है, सो वी एक्सक्लूडेड इट, इसलिए इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। अब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच दो कैपेसिटर है और ये दोनों सीरीज में ग्रुप्ड है, तो सीरीज इक्विवेलेंट C1 × C2 / C1 + C2, तो दोनों C1 और C2 दोनों C है, तो C × C/C + C, तो C × C/2C, यानी C/2 इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब यहाँ पे एक प्लेन वायर का क्वेश्चन है, अब प्लेन वायर का कंसेप्ट मैं पहले ही बता दिया था, अगर जो नहीं देखे हो यहाँ पे आई बटन में जाके देख सकते हो या इंड स्क्रीन में रहेगा वहाँ से जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन है, यहाँ भी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। प्लेन वायर का कंसेप्ट में हम बताए थे करंट प्रीफर्स इजी रूट टू मूव, यानी करंट इजी रूट से जाता है, यानी कम से कम इक्विपमेंट रहता है, यानी रेसिस्टर कैपेसिटर ETC। तो यहाँ पे देखो करंट अगर ए से बी तक जाएगा तो ये वाला रास्ता प्रीफर करेगा,
ये वाला रास्ते से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर एक्स्ट्रा है और इधर एक कैपेसिटर है, उस उधर से भी नहीं आएगा, तो ये प्लेन वायर से होकर के चले आएगा। तो करंट को ए से बी तक जाने में यहाँ पे दो ही कैपेसिटर इन्वॉल्वड हुआ, यानी ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर। अब देखो ए से बी तक आने में ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में ग्रुप्ड है, तो सीरीज इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब ये दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है, सीरीज इक्विवेलेंट इसका सी बाई टू इसका आंसर होगा, या फॉर्मूले में भी अगर इसको रख के बनाओगे तो ये सी बाई टू ही आएगा। और इसको लिख करके बना करके इसको व्हाट्सएप में सभी फॉरवर्ड करोगे। देखो यहाँ तक हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल्स पढ़े, कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल, उसके बाद तब फिर हम लोग जो सब न्यूमेरिकल बचेगा तब उसको बनाएंगे। इस तरह से कैपेसिटी एंड कैपेसिटर का चैप्टर और एक दो वीडियो में समाप्त हो जाएगा। अब तुम लोग रिवीजन करते रहो बढ़िया से, जो भी वीडियो है उसको फिर से दोबारा से देखते रहो और कॉपी में पढ़ते रहो। अब इसका एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे तुम लोगों का, इसलिए प्रिपरेशन बढ़िया से करो, ऑनलाइन टेस्ट होगा सभी का, उसके बाद ही हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे।